पूरा एकदम रिलैक्स में चला रहा, कोई टेंशन ही नहीं है। ओ क्या रेस चल रहा है भाई हम दोनों में भाई। टूटा ना हो खाली, बस ये खुल गया। पता है दोस्तों यार, पता नहीं कैसे बट खुल गया। और फाइनली 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 वेलकम टू पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट गाइस। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल सीन है भाई। समझ में नहीं आ रहा कि गुड मॉर्निंग कहूँ कि गुड नाइट। मतलब टाइम ही कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब ना गुड मॉर्निंग हुआ ना गुड नाइट खत्म हुआ है। टाइम मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, पता नहीं कितना देख पा रहा हूँ। तो 3:20 हो रहा है अभी, 5 मिनट पहले उठा हूँ ये सीन रिकॉर्ड करने के लिए। तब से सोच रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग कैसे करें। आप लोगों को बताया था एक लंबे राइड का प्लान चल रहा है, ओके। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन उस राइड को कंप्लीट करने का दिन आ चुका है, ओके। तो अभी फटाफट जाके रेडी होना होगा, ओके, क्योंकि 4:30 बजे बाली ब्रिज पे मीटअप है। मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ दो भाई और जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं रास्ते में आप लोगों साथ बताऊंगा, बट अभी जल्दी जाके मुझे रेडी होना होगा। थोड़ा सा एक्चुअली लेट हो चुका हूँ, वो लोग पहुँच चुके हैं। 4:43 हो रहा है, कोई बात नहीं, 10 से 12 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने में। एक्चुअली वो लोग दक्षिणेश्वर में वेट कर रहे हैं ब्रिज से थोड़ा सा पहले। जय माँ दुर्गा, बस भगवान अच्छे से जाए अच्छे से आए। और दोस्तों मैंने ना कल रात ही कोई फुल टैंक करवा लिया था ताकि रास्ते में फिर कोई दिक्कत ना हो पेट्रोल भराने का। और मेरा बाइक का जो अभी करेंट माइलेज है उस हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि भाई मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाऊंगा। फिलहाल आज का जो प्लान है ना दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं पुरुलिया, ओके। इतना सुबह सुबह इसलिए निकले ताकि ज़्यादा जगह को कवर कर सके, उसके बाद फिर वहीं पे एक होटल लेके रात भर रुका जाएगा। रुकने के बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को निकल जाएंगे हम लोग रांची की तरफ, पतरातू वैलू नेतरहाट की तरफ, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। तो यही प्लान है, उसके बाद फिर रांची से उसके बाद वाला दिन रिटर्न डायरेक्ट घर। ओहो सब दुर्गा पूजा देखो घूम के आ रहा है और मैं अभी राइड पे निकला हूँ सुबह सुबह। अरे यार क्या बोलूँ मैं यार, बैग बांधते बांधते यार लेट हो गया, फिर भी बैग ठीक से नहीं बांधता है पता है। अरे हाँ यार 2 साल बाद बांध रहा हूँ ना, समझ में नहीं आया कि कैसे बांधना था कैसे नहीं यार, बहुत दिक्कत हुआ। और डामकुने स्टेशन वाला रास्ता ना, हाँ समझ गया मैं। बेसिकली दोस्तों यार पुरुलिया जाने का 3 रूट है, एक तो आप तो जा सकते हैं घाटशिला होते हुए खड़गपुर होते हुए, अदरवाइज आप जा सकते हैं दुर्गापुर होते हुए आसनसोल दुर्गापुर होते हुए, और एक रास्ता है डामकुनी से अंदर अंदर आरामबाग के तरफ, एकदम अंदर अंदर से वो रास्ता जाता है जो कि काफ़ी सुंदर रास्ता है। सीनरिक ब्यूटी वहाँ पे देखने को ज़बरदस्त मिलता है। वो रास्ता थोड़ा सा मतलब शॉर्ट डिस्टेंस भी पड़ता है, बट उसी के साथ साथ आपको एक अच्छा व्यू भी देखने को मिलता है, मतलब नज़ारे काफ़ी अच्छे मिलते हैं उस रोड पे। तो इसीलिए हम लोग सोचे चलो यार उस रोड से जाना ज़्यादा बेटर होगा। तो भाई कैसा लगा, सब लोग दुर्गा पूजा घूम के आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राइड पे। वो तो है, चलो भाई चलो, तो चलिए चलिए। ये देखो यार कितना भीड़ लगा है सब यहाँ पे, सब कोलकाता घूम के आए अभी यहाँ पे रुका हुआ है, सब घर को जा रहा है अपना, और हम लोग जा रहे हैं अपना जिंदगी जीने के लिए भाई। बहुत मज़ा आएगा भाई ये 2-3 दिन, यार सच कह रहा हूँ मतलब आतंक होने वाली है भाई। ऐसे ऐसे सीन ऐसे ऐसे नज़ारे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, ओ भाई साहब यार मैं तो सोच के एक्साइटेड हो जा रहा हूँ यार। खैर चलो दोस्तों चलते अब, उजाला होने दो, उसके बाद इंस्टा 360 से देखता हूँ और थोड़ा सा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा तो अच्छा होगा। तो 5:30 हो रहा है और हम लोग अभी डानकुनी स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। ये डानकुनी ओवरब्रिज है, नीचे डानकुनी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन ऑब्वियसली। गाइस अभी बहुत ही खूबसूरत सा एक लोकेशन में आके हम लोग रुके हुए हैं, ओके। मतलब ब्रेक तो नहीं कैसा लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा कि यार 2 मिनट रुक के कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया जाए इंस्टा पे कुछ अपडेट देने के लिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जब रुक गए तो आप लोगों से मिलवा देता हूँ।
एक एक करके। तो ये भाई का नाम ना मैं हर बार भूल जाता हूँ, अरुण अरुण बोल दूं, अरुण अरुण भाई। ये लास्ट टाइम देखे थे 2 महीने पहले जब प्रिंसेस घाट में मीटअप किया था, उस टाइम गया था। तो भाई का बाइक ये डिस्कवर 110 सीसी है ना, दम होना चाहिए दिल में, बाइक में नहीं। और ये भाई देवा देवाशीष हो गए, इससे भी मिला था अब शायद 2 महीना पहले। अगर आप लोगों ने दो मंथ हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग देखा तो इसको पहचानते हो गए देवाशीष। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, फिट राइडर देवा, फिट राइडर देवा, ओके ठीक है, देख सकते हो। ओके एंड भाई बेसिकली राइडिंग के रिलेटेड ही मतलब ब्लॉग करते हैं, और उसके अलावा नहीं। वैसे मैं तो काम से भी रिलेटेड वीडियो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट रुके थे हम लोग कुछ फोटो क्लिक करने के लिए। मैं सोचा चलो यार मिलवा देते हैं, क्योंकि रास्ते में मीटअप नहीं हो पाया था ठीक से, मिलवा नहीं पाया कि मेरे साथ आज कौन कौन जा रहा राइड पे। तो हम तीनों जा रहे हैं राइड पे, ओके बहुत ही मज़ा आ रहा है। और रोड तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा रोड है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फोटो वोटो क्लिक किया। अभी यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग रुकेंगे नहीं, सीधा आरामबाग में कहीं पे अच्छा सा होटल देख के वहीं पे रुका जाएगा, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। लोकेशन अच्छा था इसलिए रुक गया। करीब 3 या 4 या 5 एपिसोड होने वाले ठीक है इस ट्रिप का। मैं कोशिश करूँगा आज का जो बेसिकली जो ब्लॉग होगा ना, ये मैं पुरुलिया जाने तक का दिखाऊँगा रोड का। उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग और भी कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। ओके वो जगह जो एक्सप्लोर करेंगे ना, उसका मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार एक ही में अगर सब कुछ डाल दूंगा ना तो ठीक से मैं अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, बता नहीं पाऊँगा आप लोगों को, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेंथी सा हो जाएगा, अजीब लगेगा। सामने एक फैमिली जा रहा है एक पल्सर बाइक पे। ये लोग भी अपने ग्रुप में है क्या भाई, मुझे मालूम नहीं था भाई, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मतलब करीब करीब 15-20 किलोमीटर से साथ में हम लोग चल रहे हैं भाई, आराम से भाई। अरे भाई क्या स्पीड में भगा रहा है भाई, 80 में जा रहा हूँ, वो 90-100 पे होगा पक्का। लेकिन वो जो फैमिली जा रही है ना पल्सर पे, वो भी अच्छा भगा रहा है, देख रहे हो दोस्तों 100 के स्पीड में जा रहा है ट्रिपलिंग करते हुए। बीच में एक बच्ची भी बैठी हुई है, मैं खुद अभी 96 पे चल रहा हूँ। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। भाई का देखो भाई ये कौन सा स्टाइल है भाई चलाने का, भाई तुम तो ऐसे लग रहे हो कि घर पे सो रहे हो, बाइक चला रहे हो कि घर पे सो रहे हो भाई। देखो पूरा रिलैक्स में चल रहा है भाई, आराम से सोफा में ऐसे लग रहा है बैठा हुआ है बंदा, पूरा एकदम रिलैक्स में चला रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त है भाई, ऐसा होना चाहिए भाई राइड में। इस वीडियो में चलाएगा देख भाई, मैं जीत नहीं पा रहा भाई। ओ क्या रेस चल रहा है भाई हम दोनों में भाई, ओ भाई 87 85 भाई आगे निकल रहा है भाई, आगे निकल गया मैं पीछे रह गया भाई। इसमें पक्का 1000 सीसी का इंजन लगा है, देखने में 100 सीसी है लेकिन 1000 सीसी का इंजन है भाई, खाली तो बाहर से देखने में लग रहा है कि 100 सीसी का बाइक है बट है नहीं। क्या खींचा है भाई ने, क्या खींचा है भाई। बेंगाई मोड़ कुछ नाम है इस जगह का। हाँ हाँ रुक कहाँ जा रहा है, पक्का है नीचे 1000 सीसी का इंजन लगा है। मैं पकड़ नहीं पाया कहाँ है भाई, इसमें BHP हॉर्स पावर ज्यादा है।
चीटिंग कर रहा है, 1000 cc में हॉर्स पावर ज्यादा दे दिया कंपनी ने, मॉडिफाई किया हुआ लगता है कुछ। भाई ये देखो बीच रोड में बत्तख क्या कर रहे हैं भाई, इनको कोई बताओ भाई, ये तालाब नहीं है रोड है भाई। ओ भाई, तो बिष्णुपुर यहाँ से और 36 किलोमीटर, जस्ट 36 किलोमीटर भाई, और कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा और लगेगा जाने में। दोस्तों नज़ारा देखो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा देखने में यार, एकदम बगल बगल से जा रहा हूँ खेत के यार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा। रोड तो यार कुछ कुछ जगह खराब था, लेकिन ओवरऑल 90% अभी तक रोड अच्छा ही खासा ही मिला है मुझे, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना हम लोग सोचे थे। और दोस्तों टाइम हो रहा है 8:03 और हम लोग जयपुर फॉरेस्ट आ चुके हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट साइड में जयपुर फॉरेस्ट, और आगे भी और भी दिखेंगे, ये जस्ट शुरुआत है। ओके, और यहीं पे कई सारे रेस्टोरेंट है, कई सारे होटल वगैरह है, तो रुका जाए क्या यहीं पे? हाँ रुक के थोड़ा सा खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकला जाएगा। तो राइट नाउ हम लोग अभी जयपुर फॉरेस्ट आ चुके हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 8 बजे करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी 8:30 हो रहा है, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने इडली ऑर्डर किया, भाई ने भी इडली ऑर्डर किया, उस भाई ने डोसा ऑर्डर किया। ओके, और मुझे लगता है जब भी हम लोग कभी राइड पे कहीं जाते हैं ना, तो इसी तरह का खाना बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे क्या पेट वेट खराब नहीं होता है, गैस वैस का कोई टेंशन नहीं रहता, सही रहता है, पेट भी भर जाता है, भले मन ना भरे लेकिन पेट भी भर जाता है। तो अभी फटाफट खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। ओके दोस्तों, ब्रेकफास्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा खाना था, और ये होटल का नाम है बोनोलता होटल। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे, और सामने मेरा जयपुर फॉरेस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बस जैसे कि शुरुआत है यहीं से, आगे चलेंगे रास्ते में फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, तो आगे अभी कुछ किलोमीटर तो जंगल ही दिखेंगे, उसके बाद जब पुरुलिया में हम लोग इंटर करेंगे फिर पहाड़ों का नज़ारा फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, ये तो होना नहीं चाहिए था यार, शिट, टूटा ना हो खाली, बस ये खुल गया, पता है दोस्तों यार, पता नहीं कैसे बट खुल गया। गार्डर अच्छे वो गार्डर 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 देखिए गार्डर थे के मेरे दिए आगे को, तो गैरेज पाबो विष्णुपुर पे है ना, इसको ऐसे पकड़ के कहाँ पे लगा है, यहाँ पे घुसा देता हूँ, एटलीस्ट जा तो पाऊँगा ना, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा यार। तो उस होटल वाले से पूछा, बोला कि सामने वाला मोड़ पे गैरेज मिल जाएगा, और विष्णुपुर यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी दूर है, इतना लॉन्ग दूर तक ये जो गार्डर मैंने जो लगाया है ना वो टिकेगा नहीं, फिर रास्ते में फिर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ओ स्टैंडर्ड स्प्रिंग खुले अच्छे लागिए तो बा स्प्रिंग खुले अच्छे स्टैंडर्ड एक तो इटा है कुत्ता पापा हमने विष्णुपुर ही जाना पड़ेगा, विष्णुपुर जाते लगवे, चलो तो फिर क्या ही कर सकते हैं अब। पहले हम लोग अभी जयपुर फॉरेस्ट से होते हुए जा रहे थे, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्या डैम कह सकते हैं या फिर झरना यार, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। क्या बोलेंगे इसको, नदी बोलेंगे, झरना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिक्सचर है कह सकते हैं, झरना गिर रहा है यहाँ पे, झरना जैसा पानी भी गिर रहा है ना। हाँ दोस्तों विष्णुपुर आ चुके हैं, और भाई ने पता नहीं कौन सा शॉर्टकट ले लिया यहाँ से, अंदर अंदर से पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट हम लोग अभी विष्णुपुर में इंटर कर चुके हैं। ओके, अब देखते हैं आसपास कोई गैरेज मिलता है कि नहीं, अब ऐसे लग रहा है मैं किसी गांव के अंदर अंदर से जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी आए विष्णुपुर में, यहाँ पे काफ़ी ढूंढने के बाद एक गैरेज मिला, देखते भैया कर पाते कि नहीं, बस ये दोबारा फिर से खुल के गिर ना जाए। चलो ठीक है,
एटलीस्ट काम चलाओ तो हो गया ना भाई। भाई क्या लोकेशन से हम लोग अभी जा रहे हैं, क्या ही लोकेशन से जा रहे हैं। स्पीड चलाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन यार रोड देखो यार, ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, लेकिन रोड के दोनों साइड में घना जंगल है भाई। जंगल के बीचों बीच से जा रहे यार, अलग ही मज़ा आ रहा है यार गाड़ी चला के यहाँ पे। अगर आप पुरुलिया आ रहे हो ना कोलकाता से या फिर कहीं से भी यार, मतलब स्पेशली ऑब्वियसली कोलकाता साइड से, तो आप इस रूट से जरूर आओ। नाकाईझुरी फॉरेस्ट है मेरे दोनों साइड में, और ये फॉरेस्ट लगातार मैंने जैसे बताया कुछ किलोमीटर पहले भी कि 10-12 किलोमीटर से लगातार आ रहा हूँ, और अभी भी ये जंगल इसी तरह चले जा रहे हैं हम लोग के साथ। सच में यार बहुत ही रोड तो यार बहुत खूबसूरत है, और दोनों साइड का जो लोकेशन है, व्यू जो मिल रहा है ना जंगल के बीचों बीच चलाते हुए जा रहे बाइक को, ये अल्टीमेट वाला फीलिंग है। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, इस रोड में रात के टाइम में कभी भी गलती से मत आओ। मैक्स टू मैक्स शाम के 5-6 बजे तक उसके बाद से अवॉइड कर दो, क्योंकि रास्ते में किसी चीज़ का कोई साधन नहीं है। अगर आपका बाइक कुछ भी ख़राब होता है तो आपको लेने के देने पड़ सकता है। ओके, और यहीं पे हम लोगों का ख़त्म होता है ये फॉरेस्ट, और किधर जाना है, सीधा निकलना है, तो स्ट्रेट चल जाया जाए गोविंदपुर, राइट साइड में बांकुड़ा, और हम लोग अभी विष्णुपुर की तरफ से आ रहे थे। तो लगातार लगभग हम लोग 2 घंटे से बाइक चला रहा हूँ, और फाइनली वेलकम टू पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट गाइस। वाह क्या खूबसूरत वेलकम हुआ भाई हम लोग का, इतना खूबसूरत रोड में यार मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ पे रुक के सोच रहे 2-4 फोटो क्लिक कर ले इंस्टा के लिए, तो इंस्टा पे फॉलो नहीं किया भाई, फॉलो कर लेना इंस्टा पे। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब आप लोगों को पहाड़ दिख रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और हम लोग अयोध्या पहाड़ की तरफ चल रहे हैं, और शायद 20-25 किलोमीटर बाकी है और पहाड़ दिखना स्टार्ट हो चुका है। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल सीन है भाई। फाइनली जिसका इंतजार था वहीं आ गया पहाड़ों में हम लोग गाइस, और ये देखो कितना खूबसूरत सा पहाड़, कितना बड़ा सा पहाड़, और पहाड़ के जस्ट हम लोग नीचे से बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। अच्छा पाखी पहाड़, वहाँ भी भूचंडी कुछ लिखा हुआ था जगह का नाम होगा, तो पाखी पहाड़ ये पहाड़ का नाम है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। दोस्तों फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं, और होटल का नाम क्या भैया? अयोध्या हिल व्यू होटल है, काफी अच्छा होटल। फिलहाल हम लोग ग्राउंड फ्लोर लिया, टॉप फ्लोर का लेते तो शायद वहाँ से व्यू अच्छा आता, लेकिन सारे के सारे बुक हो चुके हैं जिस वजह से नहीं मिला। ग्राउंड फ्लोर के मिला, पैसा थोड़ा सा कम मिला, सेफ हो गया पैसा। वैसे भी गेट खोलेंगे और पहाड़ सामने नजर आ जाएगा। ओके, तो रूम कुछ इस तरह का आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा रूम है, नीट एंड क्लीन है। बाथरूम बढ़िया, बाथरूम वाथरूम नहीं देखा है लेकिन काफी अच्छा बाथरूम है, आप रूम देख के आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करने का, क्योंकि अगर मैं इसके बाद का अगर कुछ फुटेज ऐड करता हूँ ना तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। पता नहीं वीडियो कितना लंबा हुआ, अभी मैं एडिट करूंगा तो फिर बाद में पता चलेगा कि यार कितना मिनट हो गया, पता नहीं कितना सारा सीन काटना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर अभी पुरुलिया का 2-4 स्पॉट हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे रूम में। ओके, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोग चल जाएंगे पतरातु वैली देखने के लिए, वहाँ पे और 2-4 स्पॉट है वो सारे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर शाम को वापस फिर इसी होटल में आएंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट डे को फिर पुरुलिया के और जो 2-4 जगह, अभी तो शाम होने वाला है, थोड़ा दिन में अंधेरा हो जाएगा तो सब चीज़ तो नहीं देख पाएंगे, जो बच जाएगा वो उसके बाद वाला दिन देखेंगे। तो टोटल 4 या 5 वीडियो हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो भाई। अब तो ज्यादा मजा आएगा भाई, अभी तो दिखने को मिलेगा भाई मेन मेन सीन जिसके लिए हम लोग आए भाई। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।